दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ पॉप म्यूज़िक के किंग माइकल जैक्सन की। वैसे तो माइकल जैक्सन एक ऐसी शख्सियत हैं जिसे किसी पहचान की ज़रूरत नहीं। माइकल जैक्सन के 10 अननोन फैक्ट जो शायद ही आप जानते हों। फैक्ट नंबर 10, पॉप का किंग कहे जाने वाले माइकल जैक्सन को स्किन की बीमारी थी जिसका नाम था वेटिलिगो। इस बीमारी में स्किन का कलर चेंज होने लगता है। माइकल जैक्सन जो अपने लुक्स के लिए जाने जाते थे, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी से अपनी ब्लैक स्किन को वाइट स्किन में चेंज करवाना शुरू कर दिया ताकि स्किन पर दाग ना दिखाई दे। जिसका खामियाजा ये होने लगा कि एक सर्जरी के बाद अनेक सर्जरी करनी पड़ी और साइड इफेक्ट का बुरा असर माइकल जैक्सन पर पड़ने लगा और उनका चेहरा बिल्कुल बिगड़ने लगा था। माइकल जैक्सन को अपनी ब्लैक स्किन से बहुत प्यार था, मगर हालात की मजबूरी में माइकल जैक्सन को ये कदम उठाना पड़ा था। फैक्ट नंबर 9, माइकल जैक्सन के नाम 13 ग्रैमी अवार्ड, 26 अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड और 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। पॉप म्यूजिक को एक नए मकाम तक पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन को 1987 में किंग ऑफ पॉप की उपाधि से नवाजा गया था। माइकल जैक्सन को अपनी एल्बम बैड के लिए 4 प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिले, जबकि उनकी एल्बम थ्रिलर को 20 प्लेटिनम से सर्टिफिकेट किया गया था। माइकल जैक्सन को अब तक सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं। फैक्ट नंबर 8, माइकल जैक्सन की हैट और लुक को हर कोई कॉपी करना पसंद करता है। यूथ में उनका क्रेज इस तरह था कि अमेरिका में इस क्रेज के लिए ही उस वक्त लगभग 800 मिलियन का कारोबार हैट की सेल ने किया था। और आज भी कोई स्टेज पर माइकल जैक्सन को ट्रिब्यूट देता है तो बिना हैट के कोई भी स्टेज पर नहीं आता है। ये क्रेज है माइकल जैक्सन का। फैक्ट नंबर 7, माइकल जैक्सन स्टाइलिश थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो कभी किसी से बिना हैट लगाए नहीं मिलते थे, ना ही माइकल जैक्सन किसी से नजरें मिलाते थे। इसकी वजह ये थी कि अपने लुक्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं थे। इस लो कॉन्फिडेंस का रीज़न ये था कि क्योंकि जब माइकल जैक्सन छोटे थे तो उनके फादर उनके लुक्स का मजाक बनाते थे। उनके फादर के बार बार मजाक बनाने से माइकल जैक्सन के दिमाग में ये बैठ गया था कि वो बदसूरत हैं, जिस कारण माइकल जैक्सन आईने में अपना चेहरा तक नहीं देखते थे। मगर स्टेज पर माइकल जैक्सन ये सारी बातें भूल जाते और पब्लिक उनकी परफॉर्मेंस को खूब इंजॉय करती और स्टेज ख़त्म होने के बाद अपने लुक्स को लेकर अनकम्फर्टेबल हो जाते थे माइकल जैक्सन। इस डर से माइकल जैक्सन किसी से नजर तक नहीं मिलाते थे और हैट पहनकर गर्दन झुकाकर रखते थे, जो बाद में उनका स्टाइल बन गया था। फैक्ट नंबर 6, अमेरिका अपने आप को कितना ही मॉडर्न कंट्री क्यों नहीं कहता हो, मगर रंग भेद की जड़ें कम गहरी नहीं थी अमेरिका में। एक वक्त था जब ब्लैक लोगों को अमेरिका में वोटिंग का राइट भी नहीं था। 80s के दौर में माइकल जैक्सन के सॉन्ग रिकॉर्ड तोड़ने लगे थे और इसी वजह से अमेरिका के नेशनल टीवी पर माइकल जैक्सन के सॉन्ग थ्रिलर को लाइव टेलीकास्ट करना पड़ा था, जिसे उस वक्त 500 मिलियन लोगों ने लाइव देखा था। इस वीडियो सॉन्ग ने कामयाबी के सारे रिकॉर्ड तोड़कर रख दिए थे और ब्लैक कम्युनिटी के लिए अमेरिका में हजारों रास्ते खुल गए थे। फैक्ट नंबर 5, 1987 में माइकल जैक्सन का सॉन्ग आया स्मूथ क्रिमिनल। इस गाने के वीडियो में माइकल जैक्सन एक एंटी ग्रेविटी एक्ट करते दिखे, जिसमें वो 45 डिग्री नीचे की ओर झुके थे। ये स्टेप देखकर हर कोई हैरान था। क्रिटिक्स का कहना था कि इस एंटी ग्रेविटी एक्ट के लिए वीडियो में VFX का यूज़ किया गया है, मगर माइकल जैक्सन ने जब लाइव शो में वही एंटी ग्रेविटी स्टेप लाइव करके दिखाया तो लोग हैरान हो गए। इस एंटी ग्रेविटी एक्ट के लिए माइकल जैक्सन एक खास तरह के शूज़ पहनते थे जिसके नीचे कील लगी होती थी। ये एंटी ग्रेविटी एक्ट में सिर्फ स्पेशल जूते की वजह से ही होते हैं, ये मानना और ये कहना बहुत ही गलत बात होगी, क्योंकि इसके लिए बहुत काबिलियत की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ माइकल जैक्सन के बस की बात थी। अपने जूतों पे बॉडी का वेट संभालने की टेक्निक के लिए बहुत काबिलियत की ज़रूरत होती है और आज तक ऐसा कोई और नहीं कर पाया है। ऐसा करने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान हुआ है और वो थे माइकल जैक्सन। फैक्ट नंबर 4, ईयर 1984 में एक पेप्सी के एडवर्टाइजमेंट के दौरान बुरी तरह घायल हुए थे माइकल जैक्सन। इसमें माइकल के चेहरे और सिर के बाल के साथ उनकी खोपड़ी का कुछ हिस्सा भी बुरी तरह झुलस गया था और इन चोटों के निशानों को मिटाने के लिए माइकल जैक्सन ने प्लास्टिक सर्जरी का इस्तेमाल किया था। फैक्ट नंबर 3,
ईयर 2018 में फोर्ब्स ने सब महान हस्तियों की अर्निंग की स्टडी की जो इस दुनिया में नहीं है, और फोर्ब्स ने पाया कि माइकल जैक्सन मरने के बाद भी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले आर्टिस्ट हैं। उनकी सालाना कमाई लगभग $400 मिलियन थी। माइकल जैक्सन अपनी मौत के बाद भी उतना कमाते हैं जितना साल में उनका एक वीडियो सॉन्ग कमाता था। फैक्ट नंबर 2, 1994 में माइकल जैक्सन पर एक बच्चे के परिवार ने सेक्सुअल अब्यूज के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद माइकल जैक्सन ने उस बच्चे के परिवार को सेटलमेंट के लिए $20 मिलियन की रकम दी थी। हालांकि उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद उनकी इमेज पर काफ़ी बुरा असर हुआ था। ईयर 2003 में भी माइकल जैक्सन उस वक्त काफ़ी विवादों में घिरे रहे जब उन्हें बच्चे के यौन शोषण के आरोप में 2 दिन तक हिरासत में रहना पड़ा था। इस दौरान उनके घर और ऑफिस की भी तलाशी ली गई थी। तलाशी के दौरान माइकल के घर से कुछ बच्चों की न्यूड तस्वीरें भी मिली थी। हालांकि 2005 में ज्यूरी ने माइकल जैक्सन को सभी आरोपों से बरी कर दिया था, जिसके बाद माइकल को काफ़ी राहत पहुँची थी। फैक्ट नंबर 1, 25 जून 2009 में लॉस एंजलिस में स्थित माइकल जैक्सन के घर से खबर आती है कि माइकल जैक्सन की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मौत की वजह ड्रग का ओवरडोज बताया जाता है। इस तरह दुनिया में पॉप म्यूजिक को एक मकाम तक पहुंचाने वाले माइकल जैक्सन हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी मौत पर पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। माइकल जैक्सन की अंतिम विदाई को करीब 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा। यह अब तक की सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन के फैक्ट्स आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके बताएं और किस सेलिब्रिटी के बारे में आप जानना चाहते हैं।